अपने वजन को देखेंगे कि आज मेरे गुनाहों का मेरे नेकियों का वजन हो रहा है, और ये बहुत खौफनाक मरहला होगा। इस लम्हे में इंसान जब देखेगा कि पता नहीं मेरे गुनाह भारी होते हैं या नेकी भारी होती है, ये तजस्सुस ही बहुत खौफनाक हालत होगी। पैसे देने कोई ना है तो ये लम्हा कि इंसान तजस्सुस में गुजारेगा, ये घड़ी बहुत ख़तरनाक होगी। ऐसे ही भाइयों, उस तजस्सुस को सामने रख के आज मैं और आप अगर ज़िंदगी गुजारें कि हमें पता नहीं आगे कोई हमारी नेकियां भारी होंगी या गुनाह भारे होंगे, इससे पहले के तराजू में सारे मेरे गुनाह डाले जाएं, आज मेरे पास मौका है, मोहलत है, आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करके जितनी बाकी ज़िंदगी है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारूं। इस बात के लिए अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है। थोड़ा सा वक्त है, वक्त गुजर चुका है, साल बीत गया है, अगला साल शुरू हो गया है, 2020 चला गया है, और वो मेरी ज़िंदगी का एक साल मुझसे छीन के चला गया, और वक्त पर किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई, वक्त के डाकू पर कोई रपट नहीं करवा सका कि वक्त ने मुझे और आपको छीना है, मेरी ज़िंदगी का साल मुझसे लूट के चला गया है और मुझे मौत के करीब कर चुका है। मैं समझता हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, हालांकि मैं छोटा हो चुका हूँ, छोटा समझता है मैं बड़ा हुआ हूँ, उसे नहीं पता है वो कब्र के करीब चला गया है। आज एक साल उम्र और कम हो चुकी है, लोग कहेंगे शाहिद जमील 41 साल में दाखिल हो चुका है, मैं कह रहा हूँ मैं करीब पहुँच गया हूँ, पता नहीं कब मौत आ जाए। मेरी ज़िंदगी वक्त मुझे